वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है और इस वीडियो में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल थ्योरी, शेप एंड साइज ऑफ सेल। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल्स को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। जैसे कि हमने इसको टू फॉर्म में डिवाइड किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको हमने टू फॉर्म में डिवाइड किया है। उसमें से फर्स्ट है यूनिसेलुलर एंड सेकेंड इज मल्टी सेलुलर। अब हम देखते हैं कि यूनिसेलुलर कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब कि यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिंगल सेल से बनते हैं। यूनि का मतलब हुआ वन, तो मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं जो एक सेल से बनते हैं उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसकी एग्जांपल्स अब हम देखते हैं कि उनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबा अगर आप सबने देखा होगा, अमीबा मतलब इस शेप का होता है, लाइक दिस। इसमें से जो ये बीच का पार्ट है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला जो न्यूक्लियस होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो कैरी करता है। जो अमीबा है ये सिंगल सेल से बनता है और ये डिवाइड होता है, जैसे कि फर्स्ट जो एक अमीबा है वो ऐसे डिवाइड होगा, डिवाइड होके वो दो अमीबा बनेंगे, ये सिंगल सेल से टू सेल्स में कन्वर्ट होता है, मतलब कि इनमें डिवीजन होती है और ये सिंगल सेल से डिवाइड होके दूसरा एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। दूसरा होता है हमारा पैरामीशियम लाइक कि ऐसा इस शेप का ऑर्गन होता है, जैसे कि अगर आप देख पा रहे हो। उसके बाद आ जाएगा हमारा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इस शेप का होता है, इसकी साइड्स पे ऐसे स्पाइक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहां पे इसका वीप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो मतलब कि जो ये स्पाइक्स है ये हेल्प करती है इसको मतलब एक्टिव फॉर्म में, और इसके अंडर इसकी क्या होते हैं ऑर्गेनेल्स, ठीक है। ये किसकी एग्जांपल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें से मैंने आपको बताया अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया एंड क्लेमाडोमोनस। क्लेमाडोमोनस ये सब क्या है, ये डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, क्लेमाडोमोनस ये सब डिजीज कॉज करते हैं। अब हम देखते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी का मतलब कि मैनी, मैनी मतलब मिलियंस ऑफ सेल्स से जो एक मतलब टिश्यू या ऑर्गन बनता है उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो मिलियंस ऑफ सेल जो है वो मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल ब्लड, जैसे कि ब्लड है जो ह्यूमन ब्लड है ये कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे आप मतलब हम नॉर्मली पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक्स में लिखा होता है कि जो ब्लड है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। उसमें क्या होता है कि मतलब नंबर जैसे ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ग्रेन्यूलोसाइट्स, उसके अंदर भी क्लासिफिकेशन आती है। उसके बाद आरबीसीज हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, प्लाज्मा हो गया, डिफरेंट डिफरेंट जो है सेल्स होते हैं जो फॉर्म करते हैं ब्लड को, तभी हमने इसको ना किसमें कैटेगराइज किया है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसमें वन से ज्यादा या टू से ज्यादा मिलके जो ब्लड बनता है इसलिए हमने इसको इसकी एग्जाम्पल में रखा है। उसके बाद आ गए मसल सेल। मसल्स भी अब डिफरेंट साइज की होती है, जैसे कि साइटोकाइनिन हो गया, कोलेसिस्टोकाइनिन हो गई, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मसल, जैसे कि आप फर्दर आगे जाके पढ़ेंगे हार्ट की मसल्स हो जाती हैं, जिसको हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं, स्केल्टल मसल्स हो गई, स्मूथ मसल्स हो गई, जो डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स की बनती है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ है, क्योंकि इसमें एक प्रोटीन या मतलब मिलके एक मसल्स नहीं बना सकते हैं,
उसके बाद आ गया नर्व सेल। नर्व सेल्स है जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं नर्व सेल्स, जो न्यूरॉन्स को बनाते हैं। हम चलते हैं सेल थ्योरी की तरफ। अब जो सेल थ्योरी है वो दो साइंटिस्ट ने दी है, जिनका नाम है स्लेडन एंड स्कॉन। स्लेडन एंड स्कॉन जो है वो दो साइंटिस्ट थे, इनने 1839 में है जो सेल थ्योरी को इनने इंट्रोड्यूस किया है। अब इनने कैसे इंट्रोड्यूस किया सेल थ्योरी को, इनने क्या किया, जो माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन की, मतलब अंडर द माइक्रोस्कोप जो है सेल्स को मतलब स्टडी किया, बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स, उनको इनने स्टडी किया, उनके स्ट्रक्चर्स की सिमिलैरिटी देख के, उनके ग्रोथ वगैरह को देख के इनने जो है सेल थ्योरी को डिफाइन किया। अब इस सेल थ्योरी स्टेट था, मतलब सेल थ्योरी क्या बोलती है, सेल थ्योरी में बताया है द बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, सो दैट सेल्स आर यूनिट्स ऑफ बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनने बताया है जो बॉडी है, मतलब कि एक जो बॉडी होती है, ऑर्गेनिज्म जो होता है वो किससे बना है, वो सेल से बना है, और जो वो सेल्स की डिवीजन हुई है उसके बाद जो छोटे छोटे यूनिट्स मिला के जो उनने स्ट्रक्चर बनाया है, फिर वो क्या हुए, फंक्शनल हुए हैं और उनने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाया है। ठीक है, इस थ्योरी में इनने यही बताया है। ये जो दो साइंटिस्ट थे स्लेडन एंड स्कॉन, इनने 1893 में माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन में बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स को स्टडी किया, उनके स्ट्रक्चर्स को, उनकी अपीयरेंस को, उनको इनने बोथ को स्टडी किया, उसके बाद इनने थ्योरी दी, जिस थ्योरी में बताया गया कि जो बॉडी, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो सेल से बनी हुई है और उसके प्रोडक्ट्स वो यूनिट्स में है, मतलब कि छोटे छोटे यूनिट्स मिला के जो उनने बनाया है, एक स्ट्रक्चर बनाया है, और स्ट्रक्चर जो है उसने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाया है। इतना ही इस सेल थ्योरी में है। अब हम चलते हैं, अब हम देखते हैं कि शेप ऑफ सेल क्या है, मतलब इसके, जैसे हमने पढ़ा कि जो सेल्स हैं वो अलग अलग शेप्स में होते हैं, अब हम देखते हैं कि वो वाले सेल्स जो शेप चेंज करते रहते हैं, उसकी एग्जांपल है जैसे कि अमीबा जो सिंगल सेल से बनता है, उसके बाद जो जिनको हम बोलते हैं WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, वो भी जो है उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, वो जो शेप उनकी चेंज करते रहते हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हम देखते हैं जिन वो वाले सेल्स जिनकी शेप फिक्स्ड रहती है, मतलब कि जो चेंज नहीं होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फैट सेल्स, ओवम, स्पर्म सेल, बोन सेल्स एंड स्मूथ मसल सेल्स, जो ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए ये वो वाले सेल्स के एग्जांपल है जिनकी शेप हमेशा फिक्स रहती है, यानी कि सिमिलर रहती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि साइज ऑफ द सेल्स क्या क्या है, जैसे कि इसमें मेन पॉइंट्स हैं, मतलब अलग अलग सेल्स के अलग अलग साइज, मतलब कि साइज हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि जो मेन, मतलब की पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि स्मॉलेस्ट सेल जो है वो, इसको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, जैसे माइकोप्लाज्मा है वो प्लूरोनिमोनोलाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, निमोनिया जिसको हम बोलते हैं। इसका साइज है 0.1 to 0.5 μm, मतलब माइक्रोन्स में इसका साइज है। उसके बाद बढ़ते हैं हम, जो हमारा लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सेल जिसको हम बोलते हैं वो है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच जो है वो एक बर्ड है, जो उसका एग होता है उसको मतलब जो रखा हुआ है लार्जेस्ट सेल, जिसका साइज है 18 cm। अब हम बढ़ते हैं लॉन्गेस्ट एनिमल सेल। लॉन्गेस्ट एनिमल सेल है जैसे कि हम क्या है, हम सोशल एनिमल्स हैं, उस हम सोशल एनिमल्स हैं, इसलिए जो नर्व सेल है वो मतलब लॉन्गेस्ट माना जाता है। जो नर्व सेल्स है, जो मतलब न्यूरॉन्स को बनाता है, जो हमारे ब्रेन में होते हैं उनको जो बनाता है, वो हमारा लॉन्गेस्ट सेल कंसिडर किया जाता है। उसके बाद अब मैं आपको कुछ शेप्स बताती हूँ, डिफरेंट शेप्स और साइज ऑफ सेल। जैसे कि सबसे पहले हमने
पढ़ा कि स्मूथ मसल सेल, जिसका हमने पढ़ा था कि फिक्स शेप रहती है इनकी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देख लो इनकी डायग्राम बनाई हुई है, इनकी जो है फिक्स शेप है, ये स्मूथ मसल सेल की डायग्राम है। उसके बाद आ गए ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स जिनकी शेप मतलब डेफिनेट नहीं है, जैसे कि इनकी शेप चेंज होती रहती है, ये ब्लड सेल्स है। जैसे इनके डिफरेंट फॉर्म है RBCs, WBCs, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स वगैरह। प्लाज्मा जो है वो एक फ्लूड है, उसकी कोई शेप नहीं, वो बस फ्लूड, अल्कलाइन फ्लूड है। उसके बाद आ गया ओवम, ओवम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, जो एग्स रिलीज होते हैं, ये उनकी शेप है, ये इसकी जो है फिक्स शेप रहती है। उसके बाद हम देखते हैं फैट सेल्स, फैट सेल्स जो है इनकी भी फिक्स शेप है, जो मतलब फैट सेल जो मतलब फैट्स होते हैं ना, इनको हम मतलब मोटापा जैसे हमें होता है, जैसे फैट्स हो गया, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये जो सेल्स होते हैं ये इस तरह के दिखते हैं। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बोन सेल्स, बोन सेल्स जो है ये भी फिक्स शेप के हैं, मतलब इनकी सिमिलर शेप रहती है। अब हम चलते हैं, जैसे कि अब आ गए हम ह्यूमन स्पर्म की तरफ। ह्यूमन स्पर्म जैसे कि जो ह्यूमन की स्पर्म होती है उसकी शेप कुछ इस आकार की होती है, जो फिक्स्ड रहती है। उसके बाद आ गया नर्व सेल, जो मतलब हमारा लॉन्गेस्ट सेल जो हमारा एनिमल सेल है वो इस तरीके का दिखता है, जिसको हम नर्व सेल बोलते हैं, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। ये सब थे कुछ शेप्स ऑफ सेल्स और साइज ऑफ सेल्स।